Now let's try to solve the question using the force of gravitation. In this question, we have mass of sun is two into ten raised to thirty kilograms, and that of earth is six into two raised to ten raised to twenty raise four kilograms. If average distance between sun and earth is one point five into ten raised to eight kilometers, calculate the force of gravitation between them. Take the universal gravitation constant G as. 6.67 10 raise to minus -11 n so, like m 1, 2 kg 2 हमारे पास इस बार सारी क्वांटिटीज गिवन है और हमें खाली फोर्स निकालना है सो लाइक वी हैव डन इन द अर्लियर चैप्टर्स लेट्स फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन टू अस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन दैट द मास ऑफ सन व्हिच आई एम टेकिंग एज m ऑफ वन इज 2 10 raise to 30 kg ओके मास ऑफ अर्थ व्हिच आई एम टेकिंग m2 इज 6 into 10 raised to 24 kilograms after that it is given that the average distance between them is 1 point okay let's write that down d 1.5 into 10 raised to 8 kilometers now we know that the si unit of distance is not kilometers it is meter so we have to convert this so this will become 1.5 into 10 raised to 11 meters because 1000 meters is 1 kilometer and after that it is given that capital g the gravitational constant is 6.7 into 10 raised to minus 11 newton meter square per kg square this is in the si unit so no problem over here this is all the things which are given now let's write what we have to find so in this question we have to find what the force between sun and earth

हमें सिर्फ फोर्स निकालना है और ये की सारी क्वांटिटीज हमें गिवन है तो हमें सिर्फ इनपुट करना है लेट्स डू दैट एफ क्या हो जाएगा और आई कैन ऑल्सो राइट इट एफ वन टू इज जी दैट इज सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टेन विच टू माइनस इलेवन दिस क्वान्टिटी इज बेस्ट इफ़ यू रिमेंबर इट क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा गिवन हो ऐसा जरूरी नहीं है सो मल्टीप्लाइड बाई एम वन विच इज मास ऑफ द सन दैट इज टू इंटू थर्टी मल्टीप्लाइड बाई एम टू विच इज मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to 24. Division में क्या है डिस्टेंस है उसकी वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू एलेवन बिकम्स नाउ इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेवन ऐसी जो भी लिखी हुई है मैं उनको एक साइड ले लेता हूँ और जितनी भी टेन रेस टू है उनको दूसरी साइड ले लेता हूँ So, let's do that. On one side, multiplied by, और क्या है यहां पे 2 है पे और हमारे पास एक 6 है में पहले ये ये खोल देते हैं ये कितना होगा हमारा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई टेन 11 और उसका भी स्क्वायर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा टेन देश टू इलेवन मल्टीप्लीकेशन में ऊपर क्या चल रहे हैं टेन टू की पावर्स हमने न्यूमेरिकल साइड एक साइड ले लिया तो टेन रेस टू की पावर्स भी दूसरी साइड हम ले लेते हैं फर्स्ट फर्स्ट माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड में और टेन रेस टू थर्टी है और कुछ इस साइड में है 10 to 24. तो ये हमारा क्या हो गया हमने एक साइड ले लिया है पहले इतने पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं को हम क्या लिखते हैं

टेन देश टू ए माइनस बी तो यही प्रॉपर्टी हम इधर यूज करते हैं तो हमारे पास में वाली साइड में क्या है टेन देशनस इलेवन इंटू टेन टू थर्टी फोर तो ये सब कैसे है मल्टीप्लीकेशन में है तो टेन मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास पावर क्या है माइनस इलेवन थर्टी और ट्वेंटी फोर तो वो क्या हो जाएगा माइनस इलेवन प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी फोर अब बाकी की क्वांटिटीज नीचे है सो गेट सब्ट्रैक्टेड सो दिस विल बी माइनस इलेवन माइनस इलेवन तो हमने बाकी सॉल्व कर लिया है अब ये वाले पार्ट पे आते हैं यहां पे हमें पता है कि ये टू और ये टू ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे एंड दीज थ्री आर इन डिविजन तो मैं ये थ्री को इससे थ्री करके टू कट कर सकता हूं आगे और कुछ भी कट नहीं होगा तो हमें इसको सेपरेटली सॉल्व करना है सो लेट्स डू दैट तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा सिक्स पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बाई टू इंटू टू इज फोर और ये टू और टू भी ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे फोर इन फोर दैट इज सिक्सटीन डिवाइडेड बाई नीचे गए हमारे पास खाली एक थ्री है मल्टीप्लाइड बाई अब ये वाली चीज अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस इलेवन माइनस इलेवन माइनस इलेवन दैट इज माइनस थर्टी थ्री एंड दिस टू आर इन प्लस तो थर्टी प्लस ट्वेंटी फोर दैट बिकम्स प्लस फिफ्टी फोर तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा दिस बिकम्स वन एंड टू दिस बिकम्स पावर ऑफ टेन टू प्लस ट्वेंटी वन तो हम एज इट इज वहां पे उसको पुट कर देते हैं तो दिस बिकम्स मल्टीप्लाइड बाय 10 इज टू 21 अब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6.7 इनटू 16 बाय 3 ये कुछ एप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी आपकी 335.7 इनटू 10 इज टू 21 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 35.7 है तो अगर मैं ये पॉइंट इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा कि मैंने 10 इधर लिया है सो so दिस 21 विल बिकम 22 बिकॉज़ वी आर मल्टीप्लाइंग 10 विद 10

which I suggested you, you should remember for every question. 6.7 into 10 raised to minus 11 newton meter square per kg square. हमें सिर्फ ये f निकालना था, जो हमने normal mathematics use करके निकाला, which came as 3.57 into 10 raised to 22 newton. So this is how you apply this formula in a numerical. Now in this question, it is given that the mass of moon is 7.31 into 10 raised to 22 kilograms. And its radius is 1.7 into 10 raised to 6 meter. Determine acceleration due to gravity on its surface. It is also given that the universal gravitational constant, as we know, is 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Very simple question. What are given in this question. Let's write that. First of all, it is given that the mass of moon that we write as capital M is 7.31 into 10 raised to what?

तो हमारे पास में ये तीनों क्वांटिटी गिवन है सो वी कैन इजीली कैलकुलेट ए व्हाट इज जी 6.7 10 रे टू -11 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज एम कैपिटल एम इज 7.31 10 रे टू व्हाट 22 डिवाइडेड बाय दी आर व्हाट इज आर 1.7 10 रे टू 6 अब इसका टोटल स्क्वायर है तो फिर से क्या करेंगे सारी ये वाली जो क्वान्टिटीज है उनको एक साइड ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है सेवन पॉइंटन में क्या है टू उसका होल स्क्वायर है तो सबसे पहले इंटू वन पॉइंट सेवन आएगा और टेन रेस टू सिक्स का भी स्क्वायर आएगा जो हम इधर लिखते हैं टेन रेस टू में क्या है सबसे पहले हमारे पास माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड बाई टू टी टू डिजन में क्या है टेन रेस टू सिक्स

As it is, multiplied by 10 हैं वो क्या आता है माइनस इलेवन प्लस ट्वेंटी इट सेल्फ इलेवन माइनस ट्वेल्व ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस इलेवन एंड दिस बिकम माइनस ट्वेल्व तो इन टोटल हमारे पास में कितना आ गया माइनस वन

तो इस तरीके से हमने क्या किया कंपेयर किया है कि हमारी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 है जबकि मून पे कितनी है 1.69 मीटर पर सेकेंड नॉर्मली हमने सारी गिवन क्वांटिटीज लिखी और ए का हमने फॉर्मूला लगाया उसमें हमने सारी यूनिट्स पुट करी एंड आफ्टर बेसिक कैलकुलेशन वेट द आंसर दैट इज 1.69 मीटर पर सेकेंड लेट्स टेक टू अनदर प्लैनेट अभी तक हमने सिर्फ स्टोन या बॉल को अर्थ पे गिराया था अब हम जाते हैं दूसरे प्लेनेट पे जिसका कोई दूसरा ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चन अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर ऑन एन अननोन प्लेनेट हैविंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट हिट्स द सरफेस ऑफ द प्लेनेट आल्सो कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल ऑन द सरफेस नॉर्मल सा क्वेश्चन है एक हमारे पास स्टोन रहा है जिसको हमने टेन मीटर हाइट से ऐसी एक सर्फेस पे फेंक दिया है जिसपे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड नहीं है वी हैव टू कैलकुलेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड विद विच इट फॉल्स ऑन दिस सर्फेस एंड सेकेंडली द टाइम इट टेक्स टू फॉल बहुत सिंपल क्वेश्चन है सबसे पहले क्या लिखेंगे हम वट इज गिवन टू अस हमें क्या क्या गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हाइट कितनी है टेन मीटर What is acceleration due to gravity? g is equal to 20 meter per second square. Now note that is bar I have written 20 ko minus 20, not plus 20. Likha hai. Why is that? Because our velocity is towards the downside, and also the acceleration is acceleration due to gravity is towards downside. Therefore, both of them have the same direction. Hence, it is a positive acceleration of 20 meter per second square. इन दोनों के अलावा एक और चीज हमारे पास इनडायरेक्टली गिवन है एंड वॉट इज दैट वी हैव बीन गिवन दैट द स्टोन इज द इनिशियल वेलोसिटी विल बी ड्रॉपीशियलो मीटर पर सेकंड भी आप किसी भी चीज को अपने हाथ से ड्रॉप करोगे सो यू आर नॉट गिविंग इट अ वेलोसिटी यू आर नॉट थ्रोइंग इट यू आर जस्ट ड्रॉपिंग इट हाथ में कोई भी चीज है आप उसको ऐसे रिलीज करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी उस चीज की कितनी हो जाएगी जीरो मीटर पर सेकेंड सो लेट्स राइट यू इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड और कुछ भी नहीं है सो लेट्स राइट वॉट फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि final velocity जिसके साथ वो सरफेस को स्ट्राइक करेगी वो तो जीरो होगा क्योंकि गिरने के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी बट वी आर नॉट टॉकिंग इंस्टेंट हम किस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं गिरने के जस्ट पहले वेलोसिटी रही होगी वो कितनी है एट दिस पॉइंट वॉट इज वी हैव टू फाइंड

तो ये चारों किसमें आते हैं द लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वल टू टू एस ये हम पुट करते हैं वी स्क्वायर हमें फाइंड करना है सो इट इट एज इट इज व्हाट इज यू जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टाइस एज इट इज ए क्या है इस बार प्लस ट्वेंटी एंड वॉट इज एस इट इज हाइट विच इज टेन मीटर्स तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा टू इंटू ट्वेंटी इंटू टेन दिकम्स फोर हंड्रेड

अब देखते हैं कि फर्स्ट या सेकंड में से हम कौन सी लगा सकते हैं वेन एवर इट इज पॉसिबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन लगाओ बिकॉज इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो देखते हैं हमें अगर t फाइंड करना है डू वी हैव हैल्कुलेटेड वी हैव विच इज नाउ हैव कैलकुलेटेड इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड डू वी हैव एस वी हैव ए दैट इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड सो वी कैन इजिली अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विच इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो ये हमारा क्या हो जाएगा वी हमने निकाला दैट इज ट्वेंटी यू क्या है तो ये equation क्या हो जाएगी? 20 is equal to 20 multiplied by t. इसको मैं इधर करते और इक्वेशन को ऐसे रिवर्स में लिख दूँ। सो दिस बिकम्स टी इज इक्वल टू ये ट्वेंटी यहां ट्वेंटी के साथ डिवाइड हो जाएगा सो दिस बिकम्स वन देयरफॉर द टाइम कम्स एज वन सेकेंड तो हमें क्या पता चला कि इस प्लैनेट पर अगर आप बॉल ऐसे थ्रो करोगे फ्रॉम अ हाइट ऑफ टेन मीटर्स तो आपकी बॉल सर्फेस पे सिर्फ एक ही सेकंड में फॉल कर देगी दैफो वी हैव सॉल्व ऑल पार्ट विच वस्ट इन दिस क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया फर्स्ट ऑफ ऑल बी नोटेड दैट द हाइट एंड द एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर गिवन उसके बाद हमने एक और चीज क्या देखी दैट द स्टोन इज ड्रॉप्ड देयरफॉर द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकंड व्हाट वाज आस्क्ड जस्ट द फाइनल वेलोसिटी एंड द टाइम इट टेक्स टू फॉल हमने कैसे फाइंड किया फर्स्ट ऑल हमें क्या पूछा था इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास u था a बी था और s बी था इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया एंड वी गॉट दी फाइनल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी थी द टाइम इट टेक्स टू फॉल एंड फॉर दिस वी हैव अ वेरी इजी फॉर्मूला दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इसमें हमारे पास ये ये और ये तीनों चीजें गिवन थी सो वी कैलकुलेटेड टाइम विच केम एम एस वन सेकेंड So this is how you apply the formula where g is a different quantity.